ओके स्टूडेंट, आज प्लस वन क्लास केमिस्ट्री में अपने पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट यूनिट में ही देखो हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं। अब तक हमने जनरल बेसिक स्टडी किया था और उसी से रिलेटेड हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल स्टडी कर रहे थे। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स की अगर बात करें, देखो हमने इसको फोर ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया। और इसी को ब्लॉक हमने अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इसको ब्लॉक वाइज हमने डिवाइड किया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर कर रहा है। उसी के बेसिस पे हमने इनको फोर ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, फोर ब्लॉक के अंदर पूरी पीरियोडिक टेबल्स को हमने डिवाइड किया, जिसमें हाइड्रोजन की पोजीशन पूरी पीरियोडिक टेबल से थोड़ी सी सेपरेटली लेफ्ट साइड में है, या हम प्लेस करते हैं हीलियम। देखो इसी पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार हम सिंपली याद रखेंगे। देखो अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें, इस पीरियोडिक टेबल्स को हमने फोर ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर लिया है और ये फोर ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, जिसके अंदर देखो हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं और 7 क्या हैं, पीरियड्स हैं। अगर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स की बात करें, इसी के अंदर एस ब्लॉक के अंदर आते हैं आपके फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, पी ब्लॉक के अंदर आते हैं 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 6 ग्रुप इंक्लूड करते हैं। डी के अंदर आएंगे आपके 3 से लेके और 12 तक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 10 ग्रुप्स इंक्लूड करते हैं हम डी ब्लॉक के अंदर। और इसी थर्ड ग्रुप के कुछ एलिमेंट को उठा के हमने एफ ब्लॉक में रख दिया है, तो इसमें सिर्फ थर्ड ग्रुप आ रहा है किसमें, एफ ब्लॉक के अंदर। तो अगर ग्रुप वाइज हम देखें तो पूरी पीरियोडिक टेबल्स को जो हमने फोर ब्लॉक में डिवाइड किया, किसको, जो हमारे पास 18 ग्रुप थे और 7 क्या है, पीरियड। अब ये पूछ लेते हैं कि आपने ब्लॉक वाइज कैसे क्लासिफाई किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक की कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो हमें देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फाइंड आउट करनी है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो जो पोजीशन हम फाइंड आउट करें वो किसके बेसिस पे कर सकते हैं, इजीली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें देखते हैं हम कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन विच सबसेल ऑर्बिटल, कौन सी सबसेल के ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी ब्लॉक से वो बिलोंग करेगा जिस ऑर्बिटल्स के अंदर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, आपने 7s2 को फाइंड आउट करना है कि किसी एलिमेंट की लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 7s2, दैट मींस लास्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, s सबसेल के अंदर इंटर कर रहा है, दैट मींस ये एलिमेंट बिलोंग टू s ब्लॉक। अब s ब्लॉक से बिलोंग करता है, प्रॉपर पोजिशन हमने फाइंड आउट करनी है, तो जैसे हमें ब्लॉक पता लग गया है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, एस ब्लॉक में हमें पता है कि फर्स्ट और
सेकेंड ग्रुप बिलोंग करते हैं। अगर एस में आपके टू इलेक्ट्रॉन है तो कहेंगे सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है, वन इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहेंगे फर्स्ट से। इस केस में जो आपका इंटीजर है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही किसको इंडिकेट करता है पीरियड। दैट मीन्स ये गिवन एलिमेंट बिलोंग टू सेवन पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में सेवन पीरियड से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट्स की पोजीशन हमने फाइंड आउट करनी सीखी थी। देखो इसी के अंदर अब जो हमने ब्लॉक वाइज डिवाइड किया, यहां हम फर्स्ट सेकंड ग्रुप, ये आपके 3 से 12 ग्रुप हैं, और यहां है आपके 13 टू 18, और ये सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं आपके थर्ड ग्रुप से। जितने भी हमारे पास ये 14 एलिमेंट है, सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं थर्ड ग्रुप से। अब इनके लिए कुछ कॉमन नेमिंग राइट किया था। देखो हमें अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को बोले, यहां आपके एस ब्लॉक में दो ग्रुप बिलोंग कर रहे हैं, तो एस ब्लॉक वालों के लिए अगर ग्रुप वाइज हम स्टडी करें तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के लिए हमने एक कॉमन वर्ड यूज किया था, और फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। देखो और ये है अपने कौन कौन से आ जाएंगे अभी, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। और इसी केस में अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करें, अभी जो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट हैं, उनके लिए हमने एक कॉमन नेम यूज किया, दैट इज एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। देखो सारे के सारे मेटल्स हैं, तो सेकेंड को हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोल रहे हैं। ये कौन कौन से हैं, देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्सियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम। अब ये अपने किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेकेंड ग्रुप से। सेकेंड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि देखो इनका नेचर अल्कली है और अर्थ कस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये अल्कली इन नेचर है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। अब इसके बाद देखो हमने 13 से 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को स्टडी किया था, जिसमें सबसे पहले अगर नोबल गैस को राइट करें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, और यहां आपका एलिमेंट आता है जिसका एटॉमिक नंबर 118, जो अभी हमारे लिए एनओ ने नेमिंग नहीं दी गई है हमें, तो इसके लिए यूज कर सकते हैं UUO। तो ये हमारे पास नोबल गैसेस हो गए। इसी के अलावा 13 ग्रुप की अगर बात करें तो आपका है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इसी से बिलोंग कौन कर रहा है अपना, ये नियोन। इस केस में देखो अगर यहां देखें हम, तो हमने सेवन पीरियड को स्टडी करना है, और 18 हमारे पास क्या है ग्रुप। अब देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को मिला के, एस ब्लॉक के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को इंक्लूड कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल, और सेकेंड ग्रुप को क्या बोल रहे हैं, हम एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब इन्हीं के बेसिस पे अगर हम बात करें अभी पी ब्लॉक एलिमेंट की, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अपने पास 13, 14, 15, 16, 17 और 18 हमारे पास 6 ग्रुप बिलोंग करते हैं। 13 वाले को हम जानते हैं बोरोन फैमिली के नाम से, क्योंकि हम देखो जैसा पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हैं,
जो अपना 13th ग्रुप है, इसका फर्स्ट मेंबर बोरोन है, इसलिए हम इसको बोरोन फैमिली के नाम से जानते हैं। क्या ये बोरोन है, इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? देखो, इस ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है, जैसे अपनी फैमिली में जो हेड होता है, दादाजी लगा लो या कोई स्पेशल हाई पोस्ट पे पर्सन है, जो स्पेशल पर्सन मेन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अपनी फैमिली का, उसी के नाम से अपनी फैमिली को पूरे गांव में जाना जाता है या अपने आस पड़ोस में। इसी तरह से अगर 13 ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट मेंबर बोरोन है, तो हम इसको किस नाम से जानते हैं? बोरोन फैमिली से। 14 ग्रुप की अगर बात करें हम, देखो ये 13 ग्रुप है, ये 14th है, ये 15th है, ये 16th, 17th और ये हो गया आपका 18th। जो फर्स्ट मेंबर है उसी के नाम से हम इस ग्रुप को जानते हैं। इसी तरह से हमने 15th ग्रुप के लिए राइट किया था, देखो निकोजन। 17th के लिए क्या बोलते हैं हम? चालकोजन। 17 के लिए क्या बोलते हैं? हेलोजन। और 18 ग्रुप के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। इसी केस में देखो, हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी किया, इन दोनों को इंक्लूड करके एक नाम से जानते हैं हम, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलेंगे? इन दोनों को मिला के हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहते हैं? देखो, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो मेनली हमारे पास एलिमेंट है, वो नॉन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास बोरोन के पास एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये एलिमेंट है। देखो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, थोड़ा सा कंडेंसेस कर देते हैं इनको, इंडियम, थैलियम, ये हो गया आपका टिन, लेड, क्योंकि लास्ट ये जो अपना पीरियड हमारे पास जो लास्ट वन है, ये इनकम्प्लीट है ना, सारे एलिमेंट हमारे पास नोन नहीं है अभी, तो हम यह 6 पीरियड को ही कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। ये आपका नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलिनियम एंड पोलोनियम, क्लोरीन के बाद देखो फ्लोरीन के बाद है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइल्स। तो अगर ये एलिमेंट देखें, देखो आपने कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसेस के बारे में खूब सुना है, तो ये नॉन जो एलिमेंट्स है उनको एस और पी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो रिप्रेजेंट करें, तो एस और पी दोनों को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और हमें पता है, देखो अगर ये पोजिशन देखें, अपने पास ये जो पोजीशन है अभी, ये पोजीशन जो आपको देखो इंडिकेट कर रहे हैं, तो जनरली तो हम ये 7 ही काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि बोरोन के अंदर नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है। और डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये कहें कि अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो जिगजैग पोजीशन आपको रिप्रेजेंट कर रही है, ये तो किसकी इंडिकेशन दे रही है? मेटलॉइड्स की। और इस मेटलॉइड से इधर जितने एलिमेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। और मेटलॉइड से इधर जितने एलिमेंट रह गए वो क्या हैं? सारे के सारे मेटल्स। लेकिन यहां एक एक्सेप्शन है अभी कि पीरियोडिक टेबल के मिडल में, बॉटम में, लेफ्ट में सारे के सारे मेटल हैं छोड़ के एक, और वो एक क्या है? हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, दैट इज नॉन मेटल। देखो अकेला हाइड्रोजन ऐसा है जो नॉन मेटल है, बाकी सारे के सारे क्या है? मेटल्स है। तो अगर हम यहां देखें, देखो एक और बात हमारे पास आती है जो जनरली पूछ ली जाती है एग्जाम में पोजीशन के बेसिस पे। देखो लेफ्ट में
मेटल्स है, मिडल में भी है, तो मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या है आपके, मेटल्स है। इन बिटवीन मेटल और नॉन मेटल जिगजैग पोजीशन पे मेटलॉइड्स है। देखो हम काउंट करें तो कई बार संख्या पूछ ली जाती है। अब इस केस में आपने ध्यान रखना है, इसको टोटल काउंट करना है तो किसी बुक में आपको 8 भी मिलेंगे, 7 भी मिलेंगे, लेकिन मेटल नॉन मेटल एक परसेंटेज देखें तो मोर देन 60% बोरोन के अंदर नॉन मेटलिक करेक्टर्स है। इसलिए हम इसको मेटलॉइड में काउंट ना करके नॉन मेटल में काउंट कर लेते हैं। तो सिंपली हमसे पूछे तो हम 7 मेटलॉइड बताते हैं, और बोरोन को इंक्लूड करोगे तो रेयर किसी बुक में आपको 8 भी मिल जाता है। नहीं तो हम देखो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम और एस्टेटाइन, ये आपके 7 मेटलॉइड्स हैं, सेमी मेटल्स हैं, क्योंकि इसमें मोर देन 60% अगर देखे तो नॉन मेटलिक करेक्टर ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो अपनी पोजिशन के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, अब ये सारे के सारे जो आपके राइट अपर कॉर्नर में है ये नॉन मेटल है, लेफ्ट साइड में क्या है, मेटल है। अब ये पोजीशन देखो, इधर से मेटलिक इधर नॉन मेटलिक होते जा रहे हैं। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए एक हम वर्ड यूज करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के लेफ्ट साइड में मोस्ट मेटलिक है। ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है अपने, ये एस ब्लॉक वाले क्या हैं, मोस्ट मेटलिक नेचर, या आप ये कह सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है इनका, मेटलिक नेचर है या इनका क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है। और इधर अगर हम देखें, देखो नॉन मेटलिक है, और नॉन मेटलिक का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर। तो जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, नॉन मेटलिक करेक्टर बढ़ रहा है, मेटलिक कम हो रहा है, तो एक साइड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव। और ट्रांजिशन का मीनिंग ही क्या होता है, इन बिटवीन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इससे लेसर मेटलिक और इससे ग्रेटर। तो इसलिए डी ब्लॉक वाले जितने एलिमेंट हमारे पास हैं, यानी अगर आप बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन इन बिटवीन एस और पी ब्लॉक है, इसकी प्रॉपर्टी भी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इन बिटवीन। अब जो हमने ट्रांजिशन से यहां से आपके लेंथेनियम और एक्टिनियम के बाद वाले 14 एलिनी, सीरियम टू ल्यूटेटियम 58 से 71 तक, और थोरियम 90 से लेके लावर्सियम 103 तक 14 एलिमेंट को ट्रांजिशन से उठा के यहां रखा गया। इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, कि ट्रांजिशंस के इनर से आपने उठा के रखा गया है। तो यहां हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए यूज करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो क्वेश्चन ये बनता है, इसको इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्रांजिशंस के अंदर लेंथेनियम के बाद के 14 एलिमेंट और एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स को हमने बॉटम में रख रखा है दो रोज के अंदर, इसलिए इन दोनों रोज को एक साथ हम किस नाम से जानते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट के अलावा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से। अब ये आफ्टर लेंथेनियम है, तो यहां जो आपने इस सीरीज को रखा, यानी जो सीरियम से ल्यूटेडियम तक के एलिमेंट है, ये कहां आ रहे हैं आपके, आफ्टर लेंथेनम। इसलिए इन सारे के सारे एलिमेंट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, लेंथेनोइड्स, क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड्स। और इसी तरह से अगर इस सीरीज की बात करें,
यानी थोरियम से लेके लावरसियम तक, ये आपके 14 एलिमेंट हैं जो आ रहे हैं आफ्टर एक्टिनियम। इसलिए इन एलिमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? एक्टिनोइड्स के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? एक्टिनोइड्स। अब एक पॉइंट और देखो, अभी अगर हम जनरल पीरियोडिक टेबल्स की बात करें तो ये पीरियोडिक टेबल्स जो आपकी है, इसके अंदर अगर हम ये पीरियड वाइज बात करेंगे तो हमने ग्रुप वाइज बात कर ली है कि ग्रुप के अनुसार 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार किस सब सेल में जा रहा है, और इसी के बेसिस पे, इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने मेटेलिक, नॉन मेटेलिक्स और मेटलॉइड्स के अंदर इसको क्लासिफाई कर दिया है। अगर हम इसी में पीरियड वाइज देखें, देखो अगर एलिमेंट्स को हम पीरियड वाइज देखें तो जैसा आपको देखो, अगर पीरियोडिक टेबल में हम मेंशन करें तो हमने 7 पीरियड में डिवाइड किया है, अपने पास पूरी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स। तो आप देखोगे, देखो फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट रो जो हॉरिजॉन्टल है उसमें 2 ही एलिमेंट नजर आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पीरियड की, जिसमें आपके सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम यानी 2 एलिमेंट्स किसके अंदर है? फर्स्ट पीरियड के अंदर। और ऐसे ही अगर हम बात करें, देखो सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड की, आप इसमें देखेंगे, देखो सेकंड पीरियड आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और थर्ड आपका सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन तक। देखो यहां अगर काउंट करें 2 और 6 8, यानी इन दोनों के अंदर 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके। कितने आ रहे हैं? 8 एलिमेंट्स। और अब अगर बात करें हम फोर्थ या फिफ्थ की, जिसके अंदर देखो यहां स्कैडियम से लेके जिंक तक, येड्रियम से लेके कैडमियम तक 10 एलिमेंट्स आ रहे हैं। या इसके बाद लैंथेनम और एक्टिनियम्स में ये 10 तो आएंगे, लेकिन 14 ये भी इंक्लूड हो गए। तो अगर यहां हम देखें फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर यहां कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 18 एलिमेंट्स आएंगे दोनों के अंदर। कितने आएंगे? 18 एलिमेंट्स। और अगर 6 और 7 पीरियड की बात करें हम, तो यहां आ रहे हैं 32 और 32। बाकी अपना 7th है वो अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन किसी भी पीरियड में ये एक चीज ध्यान रखनी है, किसी भी पीरियड में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32 एलिमेंट। यानी ये राइट करें आप, याद रखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 32। और ये जो अपने पास एक सीरीज बन गई है, देखो अगर हम ये सीरीज देखें, आपके फर्स्ट में 2 एलिमेंट आ रहे हैं, तो सबसे छोटा है, तो ये पूछ लेते हैं कई बार कि शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, तो शॉर्टेस्ट कौन सा हुआ? फर्स्ट, जिसमें 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं। और फिर अगर बात करें हम सेकंड और थर्ड की, तो इनको क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड, जिसमें 8 एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं। फिर अगर हम फोर्थ और फिफ्थ की बात करें, तो इनको बोलते हैं हम लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड दैट मीन्स इसमें 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं। और अगर 6th और 7th की बात करें, तो इनको बोलते हैं हम लॉन्गेस्ट पीरियड, जिसमें 7th अभी इनकम्प्लीट है, 13, 15 और 18 कुछ एलिमेंट्स हमारे पास अननोन है अभी भी, तो इनको लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं। तो पीरियड वाइज भी हम इसको 7 पीरियड को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिसमें फर्स्ट जिसमें 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, सेकेंड और थर्ड जिसमें 8 एलिमेंट आ रहे हैं शॉर्ट पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ जिसमें 18 आ रहे हैं लॉन्ग पीरियड,
सिक्स्थ और सेवन्थ लॉन्गेस्ट पीरियड जिसमें मैक्सिमम 32 एलिमेंट्स इंक्लूड करें। इसमें देखो एक क्वेश्चन और बन जाता है, यहां अगर बात करें अभी जो आपका लिथियम है, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ये प्रॉपर्टी के अंदर भी हम स्टडी करेंगे। देखो अगर किसी पीरियड्स की बात करें, ये तो आपका फर्स्ट है, ये जो सेकंड पीरियड वाला है ये नेक्स्ट ग्रुप से अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। ऐसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम से है वो बिलोंग कर रहा है किससे, अपने ग्रुप से भी प्रॉपर्टी शो करेगा और इसके अलावा किससे करेगा, नेक्स्ट ग्रुप से भी बिलोंग करेगा। अगर हम अपनी कॉमन लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल से पहले मोसले की पीरियोडिक टेबल अगर हम यूज करें, तो उसने इनके लिए यूज किए थे देखो सिंबल, अगर यहां सबको इंक्लूड करके चले 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो यहां इन्होंने यूज किया एक कॉमन, देखो इसके लिए तो यूज कर रखा था 0 ग्रुप। इसके अलावा अगर हम देखें यहां 0 के अलावा यहां जो ग्रुपिंग हुई वो आपकी एबी की फॉर्म में ग्रुपिंग की, जैसे ये कहें कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, फिर इसके बाद ये स्टार्टिंग हुआ थर्ड ए बी सी सॉरी फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ, फिर 8, 9, 10 इनके लिए यूज कर लिया इन्होंने आपका कौन सा 8, और इसी के केस में ये जो एलिमेंट थे आपके, ये आपके एलिमेंट्स कौन से हो गए, जैसे ए बी था, इसी की फॉर्म में जो आपके एलिमेंट्स थे ये देखो 7th B, 6th B, 5th B, 4th B and 3rd B, और ये जो एलिमेंट्स थे आपके ये 11 और 12 वाले, ये जो बिलोंग कर रहे थे, मान लो ये ए हैं और ये कौन से थे आपके फर्स्ट बी और सेकंड बी, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम स्ट्रोंशियम के अलावा जिंक कैडमियम से भी अपनी प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम सेकंड बी बोले, तो इसलिए इसको हम ब्रिज एलिमेंट से भी जानते हैं कि ब्रिज एलिमेंट्स कौन सा है। यानी अगर हम ये देखें, देखो बेरिलियम मैग्नीशियम है, ये अपने ग्रुप से भी बिलोंग करेगा कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम। इसके अलावा अगर हम देखें जिंक कैडमियम मरकरी, ये जो एलिमेंट है दोनों से बिलोंग कर रहा है। इस केस में ये जो दो ग्रुप एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसी को लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ब्रिज एलिमेंट यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स। एक वर्ड और देखें, अगर हम यहां डायगोनली पोजीशन देखें कि ये जो आपकी पोजीशन है डी ट्रांजिशन वाले के बाद बेरिलियम के बाद, देखो यहां अगर हम इसको इस फॉर्म में डायगोनली स्टडी करें, तो हमें लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम एल्यूमिनियम ये पोजीशन भी मिली। देखो लिथियम के बाद यहाँ सोडियम है, बेरिलियम के बाद यहाँ मैग्नीशियम है, बोरोन के बाद यहाँ एल्यूमिनियम है, कार्बन के बाद यहाँ सिलिकॉन, तो ये डायगोनली रिलेशन भी मिला हमें। ये जो एलिमेंट्स थे जो पीरियोडिक टेबल में डायगोनली पोजीशन पे, जिसमें एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट सेकंड उससे जो नेक्स्ट ग्रुप है उसके सेकंड एलिमेंट से प्रॉपर्टी रिसेम्बलिंग कर रहा है, और ये जो डायगोनल पोजीशन की वजह से प्रॉपर्टी आ रही है, डायगोनल पोजीशन की वजह से जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं इन एलिमेंट्स की एक जैसी प्रॉपर्टी होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये भी हमने ध्यान रखना है कि डायगोनल रिलेशनशिप कौन कौन से एलिमेंट शो कर रहे हैं आपके, लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ और बोरोन सिलिकॉन के साथ,
और ब्रिज एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ अगले ग्रुप के एलिमेंट्स दो ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करता है, यानी दो ग्रुप को ब्रिज की फॉर्म में काम कर रहा है। तो ये देखो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे ट्रेंड्स और ऑर्डर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।